हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बात अच्छी लगती है, डिस्कशन अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक करो और कमेंट्स में बता सकते हो अपना फीडबैक, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो। आज मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे की वीडियो चुनी है, ओशो। जिन लोगों ने उनका नाम नहीं सुना है उनके लिए ज़रूर एक इंट्रोडक्शन होगा, एक आंखें खुलने वाला। मैं इस पर्सन से पहले कैसे नहीं मिला इस तरीके का। कम्युनिज्म, सोशलिज्म एक वन ऑफ मेरा फेवरेट टॉपिक है बात करने के लिए। मैंने कई बार उस पर, स्पेशली कम्युनिज्म पे, अपना नेगेटिव व्यू दिया हुआ है कि कैसे ये एक बहुत ही इनइफेक्टिव, इनफैक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। प्रैक्टिकल जब आप अप्लाई करते हो इसे, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, थियोरेटिकली ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये सिर्फ डिज़ास्टर लाता है, और जिसके अनेकों उदाहरण, एग्जाम्पल आपको दुनिया में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर कोई ये सोचता है कि कम्युनिस्ट चाइना जो है वो उसका एक अपवाद है, उसका एक एक्सेप्शन है, तो मैं क्लीशे टोन यूज़ नहीं करूँगा कि एक्सेप्शन प्रूव द रूल, बट मैं ये प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि, या ये एडवाइस करने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ चाइना का इकोनॉमिक मॉडल समझो। वो एक्चुअली में कम्युनिस्ट है नहीं, सिर्फ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिस्ट शब्द का। डेंग शियाओपिंग जब उनकी गवर्नमेंट उन्होंने संभाली थी तो 80s में, तो उन्होंने उसे पूरी तरीके से रिवैम्प कर दिया था, सिस्टम को रिवायर कर दिया था। उससे पहले तक वो ज़रूर कम्युनिस्ट थे और उस तरीके से चल रहे थे, और उससे पहले कि उनकी इकोनॉमिक हालत देख भी लेना और किस तरीके के डिज़ास्टर्स उनकी कंट्री में आए थे वो भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो। और जब डेंग शियाओपिंग ने मार्केट इकोनॉमी इंट्रोड्यूस की, कंट्रोल्ड मार्केट इकोनॉमी, जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक केस है, और किसी कंट्री में इस चीज़ का एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता कि पूरी इकोनॉमी कंट्रोल्ड तो है लेकिन है फ्री मार्केट, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है, और एक क्या कह सकते हैं उसे, एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं पता इसे क्या कहते हैं, क्लिप्टोक्रेसी या कुछ और, मैं सर्च करके शेयर ज़रूर करूँगा, लेकिन एक एक तरीके की तानाशाही है ये अपने आप में, जिसमें कि डेमोक्रेसी ये नहीं है और ये सबको पता है। वो अपने आप में ही एक कमी है, एक सोसाइटी के अंदर एक कमी होती है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में सोसाइटी में बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं, चाहे ये लोग इस वक्त पैसा कितना भी कमा लें, यू नो, लाइक यू कैन कॉल देम एज देयर हनीमून डेज, बट अगर आप क्लोजली फॉलो करोगे चाइना को तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी सोसाइटी में कितनी डीप लेवल पे प्रॉब्लम है। वन ऑफ देम बीइंग रिसेंटली उनकी जो पॉपुलेशन है वो कैसे ड्विंडल हो रही है, और उनको अपनी ही बनाई गई पॉलिसीज़ को कैसे रिवर्ट करना पड़ रहा है बहुत ही क्विकली, और उसके क्या डिज़ास्टर्स इफेक्ट उनकी इकोनॉमी पे आने वाले हैं या प्रिडिक्ट हो रहे हैं, उनको देख के आपको पता चल जाएगा कि कितने डीप रूटेड प्रॉब्लम है उनकी सोसाइटी में। देखने से अच्छा लगता है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही स्टेडफास्ट तरीके से वो ग्रोथ कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड है, क्राइम नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप जाकर देखोगे तो आपको वो सारी प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें जो उनकी स्ट्रेंथ लग रही हैं इस वक्त, उनसे पैदा होने वाली वीकनेसेस भी आपको देखनी शुरू हो जाएंगी। बट एनीवेज, एक एक्सेप्शन के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली, बेसिकली कहने का मतलब ये था, बात है कम्युनिज्म की, कि कम्युनिज्म कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और जो लोग ओशो को जानते हैं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो एक रिलीजियस काइंड ऑफ फिगर थे, बट उनके सोसाइटी के ऑलमोस्ट हर तरीके के टॉपिक्स पे आपको जो उनकी सोच है वो पता चल जाएगी। उनका जो कंटेम्प्रेरी मोस्ट क्लोजेस्ट कह सकते हो आप, वो सद्गुरु है, लेकिन सद्गुरु जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, यू नो, लाइक रिलेटिव फ्रेंडली है, रिलेटिवली बहुत फ्रेंडली है। ओशो बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं, आई मीन रिस्पेक्ट नहीं है, वो लिहाज नहीं करते थे। ही यूज टू टेक नो प्रिजनर्स, ही यूज टू से वट ही वॉन्टेड टू से द वे ही वॉन्टेड टू से, बिल्कुल उसी तरीके से। तो जो लोग भी, जिन लोगों ने भी ओशो को सुना होगा उनको उनके बारे में पता ही होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए बता रहा हूँ। तो बहुत लंबी बात हो गई, वीडियो देखते हैं और फिर उस पर साथ ही साथ बात भी करेंगे। गुलाम रहे और हम कल भविष्य में किसी भी दिन गुलाम फिर हो सकते, हमारे सारे उपाय ऐसे ही कि हम किसी भी दिन गुलाम हो सकते। ललिन ने 1920 में एक घोषणा की थी मास्को में कि कम्युनिज्म
से यात्रा करके पेकिंग होता हुआ कलकत्ते से गुजरता हुआ लंदन पहुंचा है। पेकिंग तो पहुंच गया और कलकत्ते में भी पैरों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। आज बस पैरों की आवाज़ ही सुनाई पड़ी है। लकीली फ्यूचर कुछ और है जो इन्होंने इस टाइम में पढ़ी। ये जस्ट फॉर द रेफरेंस, ये जो टॉक है ये समवेयर अराउंड 80s या 70s का है, तो उस पर्सपेक्टिव से सुनना इसको। कलकत्ते की सड़कों पर जगह जगह पोस्टर लगे हुए कि चीन के अध्यक्ष माओ हमारे भी अध्यक्ष। तो माओ का टाइम था। चीन के चेयरमैन माओ से तुम भारत के भी चेयरमैन, ये कलकत्ते की सड़कों पर जगह जगह पोस्टर लगे। हम गुलामियों को फिर बुलाने की चेष्टा में लग गए और इससे पहले भी हिंदुस्तान में जितनी बार गुलामी आई हमने बुलाया। 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी हमें कुछ अंदाज नहीं है, हम फिर गुलामी बुला सकते। अच्छा, इससे मैं पूरी पूरी तरीके से एग्री नहीं करता। मैं टोटली एग्री करता हूँ कि इंडिया में, इंडिया की जो शुरुआत के टाइम से ही मेन प्रॉब्लम रही है ना, वो ये प्रॉब्लम रही है कि बाहर वाले हम पे हावी हो गए। ये एक गलत, ये बाहर से देखने में लगता है कि बाहर वाले आए और उन्होंने हमें हरा दिया। नहीं, हमारी मेन प्रॉब्लम रही है अंदर की लड़ाई, और जो कि ओशो यहाँ पे रेफर कर रहे हैं कि हमने बुलाया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाबर को यहीं के बंदों ने बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए सेंट्रल एशिया से। बाबर तो उसका राज जो उसका पैदाइशी उसको मिला था वो भी चला गया था, बट उसको यहाँ इन्वाइट किया गया था कि यहाँ हमला करो और फिर हम मिलके सल्तनत बनाएंगे इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट, जिस बंदे ने बुलाया था। अभी मैं भूल रहा हूँ, शायद वो इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार ही था। तो ये चीज़ काइंड ऑफ ये रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत कम लोग हिस्ट्री को इतना ज़्यादा जानते हैं। एक हिंदू शाही एम्पायर था अफ़गानिस्तान में जब महमूद गजनवी का हमला हुआ। उसके पहले महमूद गजनवी पहला इस्लामिक इन्वेडर था जिसने इंडिया पे हमला किया और सक्सेसफुली हमला किया बेसिकली इंडिया के अंदर मेनलैंड में। उसके पहले उसका फादर था सुबुक्तकिन। उस बंदे ने, मतलब वो लोग लगभग काफ़ी टाइम से हमले करे जा रहे थे। अच्छा, पहला इन्वेडर मतलब जिसने अंदर आया मेनलैंड इंडिया में, उसकी बात कर रहा हूँ। उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम 7th century में आ गया था ऑलरेडी, बट वो प्रेजेंट डे जो सिंध है उस एरिया में आया, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड पीरियड के लिए आया, थोड़ा बहुत गदर मचाया और उसको वापस जाना पड़ गया, जिसके लिए फिर जो उसके जो बॉसेस थे वो, एक फिर बहुत ही डीप लंबी स्टोरी है बगदाद में, उन्होंने उसको खुद ही अपनी तरफ से ही मौत की सज़ा दे दी। बहुत सारी स्टोरीज हैं उसके बारे में, उस पर भी कभी बात की जा सकती है जब वो टॉपिक होगा। लेकिन मेन जो इन्वेडर था वो महमूद गजनवी ही था जो 1000 के आसपास इंडिया में आया था, और उससे पहले उसका फादर सुबुक्तगिन। और ये सारे बहुत सारे लोगों का मानना है, क्योंकि गजनवी नाम है जो कि अफ़गानिस्तान के गजनी शहर से आता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो अफ़गान था, लेकिन वो लोग अफ़गान नहीं थे, वो लोग सेंट्रल एशिया से थे, और स्पेसिफिकली सेंट्रल एशिया में आज के टाइम पे जो कंट्री है किर्गिस्तान, वहाँ से थे वो लोग। ओरिजिनली देखा जाए तो वो लोग किर्गिज थे। अब क्योंकि वो एक बहुत लंबे समय से पुश्तों से अफ़गानिस्तान के गजनी में रह रहे थे, इसलिए उनके नाम से साथ गजनवी लगना शुरू हो गया, जैसे हमारे यहाँ मुरादाबादी लग जाता है या कुछ भी लग जाता है। ओरिजिनली वो लोग मुरादाबाद के नेटिव तो नहीं है, कहीं ना कहीं से आए होंगे, लंबे समय से मुरादाबाद में रहते होंगे, इसलिए मुरादाबादी हो गया। तो ये भी एक कन्फ्यूजन होती है, मैं देखता हूँ कई बार लोगों को पता नहीं होता इस बारे में। टर्किक ओरिजिन के सेंट्रल एशियन लोग थे वो बेसिकली। तो हाँ, दूसरी बात ये कि हमने बुलाया नहीं था, वो इनकी इनकॉम्पिटेंस नहीं थी, वो लोग या किसी हद तक कह भी सकते हो कि थी, क्योंकि इंडिया पे सेंट्रल एशिया से 500 साल तक हमले हुए हैं, 7th century से लेके लगभग लेटर हाफ ऑफ 11th century के लेटर हाफ तक हमले होते रहे, और 11th century के लेटर हाफ में ये लोग जाके कामयाब हुए हैं, जो महमूद गजनवी के टाइम पे आके कामयाब हुए, बेसिकली महमूद गजनवी खुद कामयाब हुआ है। और मैं भूल रहा हूँ उस हिंदू रूलर का नाम जिसको उसने हराया था, फिर उसने अपने आप को खुद ही आत्महत्या कर ली थी, सेल्फ इमोलेट करके शायद, और उसको कहते थे हिंदू शाही अम्पायर या ब्राह्मण शाही अम्पायर या कुछ ऐसा कहते थे। और
वो अफगानिस्तान पे उन्होंने जो उनका हमला था सेंट्रल एशियन एशियंस का, उसको लगभग 500 400 से 500 साल तक उसको रोका है, और फिर वो लोग आ पाए हैं। अब इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि यार वो रोका तो उन्होंने, वापस हमला क्यों नहीं किया, उसकी एक बहुत लंबी स्टोरी है। इन्होंने, ये लोग हमला करते थे, ये लोग जीतते थे, वो लोग हमला करते थे, वो लोग जीतते थे, फाइनली वो लोग बेहतर उस वक्त की वॉर टैक्टिक्स और घोड़े और जो सेंट्रल एशियंस का बहुत बड़े पाश्चोरल लैंड्स पे घोड़ घुड़सवारी करते हुए तीरंदाजी करने का जो तरीका है, जिन्होंने बाद में मंगोलों को भी बहुत हेल्प दी, उस स्किल्स की वजह से वो लोग धीरे 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 थोड़े ज़्यादा हावी होने लग गए। इंडिया की जो राजा थे, या फिर जो हिंदू शाही एम्पायर के जो राजा थे, जिनका सदर्न अफगानिस्तान, सदर्न साउथ ईस्टर्न अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान के आसपास के एरिया में जिनका शासन था, उन लोगों के जो वॉर टैक्टिक थे वो काइंड ऑफ पुराने हो गए थे। नई इनोवेशन शायद नहीं हो रही थी, और डिफरेंट, और मौके की भी बात होती है बहुत ही ज़्यादा, एक दूसरे की बैक स्टैबिंग, जो आपके जो सहयोगी होते हैं वो कहीं भी आपको सही टाइम पे किसी भी वजह से साथ नहीं देते या फिर धोखा देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर वो लगभग 400 से 500 साल, कई कई पुश्तों तक उन्होंने संघर्ष किया, तब जाके वो लोग इंडिया में एंटर हो पाए। तो ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने सीधा उनको ओपन पास दे दिया था कि आप आओ। ये बात बहुत लोग मानते हैं कि भाई वैसे से हमला हुआ और बार बार होता गया और हमने कुछ नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं है, हमने बहुत कुछ किया, हमने 400 से 500 साल तक उस हमले को रोका है। और ये चीज़ कई बार मिस हो जाती है, लोग इसको यू नो लाइक बिना एड्रेस किए ही उड़ा देते हैं, तो इसको मैं एड्रेस करना चाहता था। नए नामों से गुलामी बुला लेंगे, कम से कम हिंदुस्तान के लिए गुलामी सिद्ध होगी। और आज बंगाल में जो दिखाई पड़ रहा है कल पूरे हिंदुस्तान में दिखाई पड़ेगा। आज थैंकफुली ऐसा नहीं बंगाल है। में जो है वो कल पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा, इसमें बहुत आश्चर्य नहीं। क्योंकि हम डरे हुए लोग, हम मरने से भयभीत लोग, हम बिना किसी चीज से कुछ भी आए उसे झेलने को सदा तत्पर और उसमें ही संतुष्ट हो जाने के लिए राजी लोग। बूढ़ा आदमी भय के कारण हर चीज पे राजी हो जाता है, जवान आदमी लड़ता है। जवान आदमी जिंदगी को बदलने की कोशिश करता है, बूढ़ा आदमी जिंदगी जैसी होती है उसके लिए राजी हो जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है सब भाग्य, जवान आदमी कहता है भाग्य हमारे श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। बूढ़ा आदमी कहता है जो भी कर रहा है भगवान कर रहा है, जवान आदमी कहता है जो भी हम करेंगे भगवान का आशीर्वाद उसे उपलब्ध होगा। अच्छा, इसमें दो बातें हैं एड्रेस करने वाली। पहले बूढ़े और जवान व्यक्ति की बात कर लेते हैं। ऑफकोर्स बिल्कुल सही बोला ओशो ने कि अप्रोच में फ़र्क होता है बूढ़े और जवान आदमी की, जैसा कि इन्होंने बताया। लेकिन थोड़ा सा और न्यूआंस भी अगर देख लें कि बूढ़े आदमी का एक एक्सपीरियंस भी होता है और जवान आदमी का एक इनएक्सपीरियंस भी होता है, ये भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करता है इस बात को। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार जवान आदमी का जोश बूढ़े आदमी के रिस्ट्रेंट के मुकाबले ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये ऑफ द बैट आप कह नहीं सकते कि हाँ ये, आई मीन एब्सोल्यूट नहीं है, ये सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेटजी होती है। कई बार रिस्ट्रेंट काम करना पड़ता है आपको, और कई बार आपको यू नो लाइक अग्रेशन भी दिखाना पड़ता है। तो ये चीज़ ऐसे है। अच्छा, दूसरा, उससे पहले कि जो इन्होंने बताया कि इंडिया के लोग बीमार लोग किसी को भी आने के लिए तैयार, और ये जो भी हो जाए उसी में खुश, जनरली जो सोसाइटी सेटल्ड होती हैं और जिन सोसाइटी में इकोनॉमी सेटल्ड बढ़िया होती है, सबका खाना पीना बढ़िया चल रहा होता है, वो लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं। ये ट्रेंड देखा गया है पूरी दुनिया में। मैं नाम भूल रहा हूँ, एक बहुत ही फेमस अरबिक या पर्शियन अरबिक स्कॉलर थे जिन्होंने डिफाइन किया था इस पैटर्न को। उनका कहना था कि सोसाइटी एंशियंट टाइम में इस तरीके से डेवलप हुई है कि जो पहले एग्रीकल्चर डिस्कवर किया गया या फिर इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद जहाँ पे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हुआ वो छोटा सा एरिया एक सभ्य सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई धीरे धीरे, क्योंकि वो लोग अब बंजारे नहीं रह गए थे, वो लोग अब हर्ड्समैन नहीं रह गए थे, वो लोग एक जगह पर टिक के एक शहर बना के एक आसपास एक स्थायी बस्ती बना के काम कर रहे थे। तो उनकी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो गई, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा स्टेबलाइज हो गए, सभ्य हो गए। उसके बाद एक दूसरा ग्रुप आया जो कि अभी भी हर्ड्समैन था, जो कि अभी भी
नोमैडिक लाइफस्टाइल जी रहा था, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा बर्बर किस्म के थे, ज़्यादा एग्रेसिव थे, ज़्यादा वॉर प्रोन थे, वॉर लविंग थे, और उन्होंने उस एस्टेब्लिश्ड सभ्य सोसाइटी को उड़ा दिया या उसे हरा के अपना गुलाम बना लिया, जो भी लीडर था उस सभ्य सोसाइटी में। ऑफ कोर्स लीडर भी इमर्ज होते हैं जब सोसाइटी बनती है, तो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। और फिर उस उन नोमैड ने उनको लूटा, उस सब एस्टैब्लिश सोसाइटी को। ये मैं सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं बता रहा, क्योंकि ऐसे ही, क्योंकि ये हम एक पैटर्न डिफाइन कर रहे हैं, हम कोई स्टोरी नहीं बता रहे। पैटर्न डिफाइन करने में आपको एब्स्ट्रैक्ट में बात करनी होती है। तो उन्होंने वहाँ कब्ज़ा किया और उनको लूटा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो बर्बर लोग थे, वो उन्हीं सोसाइटी वालों के साथ रहते रहते धीरे 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 खुद भी बहुत ज़्यादा सभ्य और यू नो लाइक कल्चर्ड हो गए और सॉफ्ट हो गए। उसके बाद कोई तीसरा आया, उसने यही प्रोसेस दोबारा रिपीट किया उसी जगह पे। तो बेसिकली प्रोसेस ये होता है, एक चीज़, जब आप एक स्टेबल सोसाइटी में आ जाते हो तो धीरे धीरे आप मोर कल्चर्ड हो जाते हो, जिसकी वजह से आप अपनी बर्बरता को थोड़ा कम कर देते हो। फिर आपसे जो ज़्यादा बर्बर होता है वो आके आपको कर देता है। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन से पहले तक यही पैटर्न चलता था, क्योंकि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद ये हुआ कि वॉर जो है वो पूरी की पूरी डिपेंड हो गई साइंस और इनोवेशन पे। तो अब पासा उल्टा पड़ गया, अब जो जितना ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड अमीर और कल्चर्ड सोसाइटी होगी, वहाँ पे साइंस का भी उतना ही ज़्यादा बोलबाला होगा, रिसर्च भी उतनी ज़्यादा हो रही होगी, तो वो लोग वेपन्स भी उतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के स्मार्ट वेपन सिस्टम ये सब बनाएंगे, जैसे कि अमेरिका है। सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास है, सबसे ज़्यादा स्टेबल वो हैं, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर भी वो ही हैं। लेकिन ये जो ओरिजिनल पैटर्न है ह्यूमैनिटी का, इसको अगर आप देखो तो इस वक्त फॉर एग्जांपल अमेरिका की जो अफगानिस्तान में जो पूरी वॉर चल रही है, अगर उसको देखोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इवन दो कि उनके पास सब कुछ है और वो दुनिया के दूसरे कोने में अफगानिस्तान में लड़ने में केपेबल है और लड़ रहे हैं, 20 साल से लड़ रहे थे, लेकिन फाइनली जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो नहीं अफगानिस्तान के लोग नहीं, जो तालिबान हैं अफगानिस्तान के, जो उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, उनके जो लाइक रॉ लड़ाई की का माइंड सेट, रॉ ह्यूमन एफर्ट, टेक्नोलॉजी की हेल्प नहीं है, रॉ ह्यूमन एफर्ट और की मतलब यू नो लाइक कीप गोइंग वाला जो एटीट्यूड होता है, परसिस्टेंस, उसके बल पे उन्होंने उनको ऑलमोस्ट विवश कर दिया अपनी टर्म्स में बात मनवाने में, बेसिकली हरा दिया अफगानिस्तान के अंदर अगर कहा जाए तो। हालांकि मैं इसको इतना सिंपल नहीं देखता, मेरे को लगता है कि अमेरिका आया अपनी मर्ज़ी से, अपने टाइम से, जो करना चाहा जितने टाइम तक करना चाहा वो किया, और अब वो उसका जाने का मन है तो वो जा रहा है, जो उसको करना था वो करने के बाद। लेकिन फिर भी ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जो तालिबान के लोग हैं, उन्होंने उनको एक रिस्पेक्टफुली नहीं जाने दिया, उन्होंने अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ वो रुकना भी चाहें तो उनके लिए महंगा पड़ेगा, उनको रुकना, उनके लिए रुकना ईजी नहीं किया, उनके लिए रुकना मुश्किल कर दिया। तो वो पैटर्न अभी भी कुछ जगहों पे आपको देखने को मिल जाता है कि उस पै वो कितना नेचुरल और ऑर्गेनिक पैटर्न है जिसको साइंस ने पलट दिया है अब। बट एनीवेज, तो इतनी बड़ी स्टोरी बताने का ये मकसद था कि तो इंडिया के जो लोग हैं वो शुरू से ही कल्चर्ड और स्टेबल थे। यहाँ पे एरेबल लैंड है दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की, तो खेती होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को बढ़िया चल रहा है सबका, हमला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर जाके किसी और के ऊपर और उसका खाना छीनने की। तो इसलिए ये लोग थे इजी में, जो भी आ रहा था आ जाओ, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब मत करो और जियो और जीने दो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ तो फिर औरंगज़ेब के बाद क्या हुआ ये सबको पता है, क्योंकि औरंगज़ेब ने क्या किया था कि वो कंट्री के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था उसने। तो फिर लोकल लेवल के मराठे सिख, लोकल लेवल से फिर उनका विद्रोह हुआ। उससे पहले लोकल लेवल से उस लेवल का विद्रोह नहीं हुआ था, क्योंकि इंटरनल बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं किया गया था, जीने दे रहे थे तो जीने में खुश थे यहाँ के लोग, ये अंडरस्टैंडिंग। वरना मराठे भी तो नेटिव ही है ना, सिख भी तो नेटिव ही थे। तो ये है बात समझने वाली। आदमी एक संघर्ष और गुण आदमी एक संतोष, एक सेटिस्फेक्शन। अगर गुलामी आ जाए तो उससे भी संतोष कर लेंगे, गरीबी आ जाए उससे भी संतोष कर लेंगे, जो भी हो जाए उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट अगर हमने होने की आदत नहीं बदली तो इस मुल्क को भविष्य में और भी महा अंधकार देखने के क्षण आ सकते हैं। मैं अभी बंगाल में था,
तो बंगाल में जो मुझे दिखाई पड़ा, चाहता हूं पूरे मुल्क के एक एक युवक को कह दूं कि वो गुलामी को निमंत्रण, और बंगाल राजी हो जाए। बंगाल में 10-25 आदमी अगर एक सड़क पर एक पुलिस वाले की हत्या कर रहे हैं तो पूरे लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठ रहेंगे। वे भीतर बैठ के इस बात की निंदा करेंगे कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन उस बुरे के खिलाफ लड़ने बाहर नहीं निकलेंगे। अगर एक बस में आग लगाई जा रही तो यात्री बस में चलने वाले उतर के नीचे खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर चर्चा करेंगे बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन कोई उन आग लगाने वाले 5 आदमियों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। इतनी कायर कौम कैसे जवान हो सकती? अच्छा, ये जो है ना, जो जो ये यहाँ पे बता रहे हैं, ये सारा आपको याद दिलाता है इस वक्त की जो फिल्में होती थी, जितेंद्र मिथुन, शत्रुघ्न सिन्हा, इस टाइप के जो बॉलीवुड के जो हीरो थे, इनकी जो आप फिल्में देखोगे तो एग्जैक्टली जो बता रहे हैं वो शो यही दिखाया जाता था कि यही हो रहा है। गुंडा आता है, पूरी बस्ती को उजाड़ने लगता है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके अगेंस्ट बोल सके। फॉर एग्जाम्पल, सनी देओल की जो फिल्में थी इनिशियली, सनी देओल की घातक आई गेस एक मूवी थी, अगर आप देखोगे तो वो काते आता है, जो विलन होता है वो पूरी बस्ती को उजाड़ देता है कि बिल्डर से पैसे लेके इन सबको भगा दो और इस ज़मीन पे, लेकिन कोई लड़ने वाला नहीं होता। अब उन फिल्मों में क्योंकि वो फिल्म है तो उसमें एक बंदा होता है जो हीरो होता है, और वो हीरो होता ही इसलिए है क्योंकि वो लड़ता है, वो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाता है। तो उस वक्त का बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हो कि यही है। पूरा बंगाल देखता रहेगा, थोड़े से लोग बेवकूफियां करेंगे और पूरा बंगाल झुक जाएगा, और आज नहीं कल पूरा हिंदुस्तान झुक जाएगा। थैंकफुली ऐसा नहीं। 2 लाख आदमियों की बस्ती में 200 आदमी कुछ भी करना चाहे तो 2 लाख की बस्ती झुक जाएगी और राजी हो जाएगी। हिंदुस्तान पर चीन का हमला हुआ तो काम वैसे कोई भी सोसाइटी में ऐसी होता है, ये जस्ट इंडिया पे स्पेसिफिक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट होता है साइलेंट मेजोरिटी का, तो वो यही वाला कॉन्सेप्ट है कि 2 लाख लोगों में से अगर आपको बेसिकली 2 लाख में से 2 लाख लोगों को नहीं मनवाना होता, आपको 2 लाख में से शायद 10,000 या ओशो ने थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया 2,000, लेकिन शायद आपको 10,000 को मनवाना होता है और बाकी अपने आप यू नो लाइक दे फॉल इन लाइन। 10,000 बहुत लाउड लोग, 2,000 बाकी के 1,90,000 साइलेंट लोगों को कम ऐसा दिखा देते हैं कि जैसे वो कम है और हम ज्यादा। सारा हिंदुस्तान कविता करने लगा था, आपको भी पता होगा, सारा हिंदुस्तान कहने लगा था कि हम सोलवे शेर है, हमें छोड़ो मत। तो मैंने कई कवियों से पूछा कि शेरों ने कभी भी नहीं कहा है कि हम सोलवे शेर है, हमें छेड़ो मत, छेड़ो और पता चल जाता है कि शेर है या नहीं। कविताएं करने की जरूरत नहीं हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने कविताएं की, जगह जगह कवि सम्मेलन हुए, लोगों ने तालियां बजाई, और जिन लोगों ने कविताएं की कोई को पद्म श्री की उपाधि मिल गई, कोई राष्ट्र कवि हो गया, किसी को राष्ट्रपति ने स्वर्ण पदक भेंट कर दिए, और चीन हिंदुस्तान की जमीन दबा के बैठ गया और वो सो हुए शेर तब फिर वापस कविता करके सो गए, उनका कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहां से निकले। ये बहुत सही बात की ओशो ने, जब मारना है ना या फिर हमला करना है तो बकचोदी मत करो, करो, क्योंकि जब बकचोदी करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, तो एटलीस्ट सामने वाले को टाइम मिल जाएगा उसका ऑपोजिशन करने का या उसकी तैयारी करने का। और आई थिंक शायद यहाँ पे एक जैब लिया गया रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर, क्योंकि वो मतलब यू नो थोड़े से अग्रेसिव रस जो होता है उसके कवि थे वो, आई डोंट नो कौन सा रस कहा जाता है वो हिंदी में, लेकिन उनकी कविता अगर किसी ने सुनी हो, क्षमा के ऊपर है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, कि मतलब वो सांप ही माफ़ कर सकता है जो जहरीला हो, जो सांप जहरीला ही नहीं है उससे आप डरोगे क्या, तो वो आपको क्या माफ़ करेगा। बेसिकली कि ताकतवर बंदे के पास ही यू नो लाइक ग्रेसफुल होने का मौका है, क्योंकि वो ही ग्रेसफुल हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा जो नीचे का कॉन्सेप्ट है ओवर कि मोरालिटी जो है वो एक्चुअली कायरता है मॉडर्न टाइम की, या मॉडर्न जो रिलीजन है, जूडो क्रिश्चियन रिलीजन, उसकी जो मोरालिटी है वो कायरता का, वो उसके काइंड ऑफ उसके लेवल की बात है वो, कि अगर आपके पास एक्सरसाइज करने के लिए ताकत ही नहीं है तो आप शरीफ क्या बन रहे हो, फिर आपको बनना ही बाई डिफ़ॉल्ट शरीफ बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ताकत तो आपके पास वैसे भी नहीं है, तो अच्छा ही बन के रहना पड़ेगा।
मील की जमीन में चीन ने कब्जा कर लिया था, हिंदुस्तान के नेताओं ने बाद में कहना शुरू किया कि वो जमीन बेकार, वो जमीन किसी काम की ही न थी, उसमें घास भी पैदा नहीं होता था। अगर वो जमीन बेकार थी तो फिर जवानों को लड़ाना बेकार, पहले ही जमीन छोड़ देनी थी। और अगर जमीन पर घास भी नहीं उगती थी तो उसके लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं उन नेताओं से कहता हूं कि अभी भी देश में जितनी जमीन और बेकार हो उसे चुपचाप दूसरों को दे देना चाहिए, ताकि कोई झंझट ना हो, कोई झगड़ा ना हो। ये जो हमारा चित्त है, इस चित्त को मैं बूढ़ा, ओल्ड माइंड, बूढ़ा चित्त कहता हूं। ये बूढ़ा चित्त हर चीज में संतोष खोज लेता है। इस बूढ़े चित्त को तोड़ना पड़ेगा। अभी ये पॉइंट बहुत है, जमीन में घास नहीं उगती तो उससे क्या मतलब है, आप छोड़ दोगे? ठीक है, ये इतना चूतिया आर्गुमेंट है भाई। वही है ना कि ताकत नहीं है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है। ताकत है भी तो कॉन्फिडेंस नहीं है अगर लड़ने का तो। ये ओहो एक ही थप्पड़ मारा है तब इसलिए नहीं मार रहा, नहीं तो दो मारता तो फिर मैं मारूंगा वापस। ये वो वाली बात है। ठीक है, ज़मीन में कुछ उगता नहीं है इसलिए छोड़ दो, दे दो। और बोल दिया उन्होंने भी कि क्या कहते हैं, हाँ तो फिर जितनी ज़मीन इस कंट्री में है वो दे दो जहाँ पे नहीं उगता कुछ भी। और थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो गया, लाखों मील ज़मीन नहीं थी, ऑलमोस्ट 15,000 स्क्वायर माइल्स ज़मीन है वो, जो चाइना के अंडर है, अक्साई चिन में आता है वो एरिया, तो वो ज़मीन है उनके अंदर। हाँ लेकिन लाखों मील उन्होंने ज़रूर तिब्बत का कब्ज़ा कर लिया, जो कि तिब्बत पे जो चाइना ने कब्ज़ा किया है उसको मैं किसी भी दूसरी कंट्री के मुकाबले इंडिया की नकारता, नाकार्यता या अकर्मण्यता या फिर साहस की कमी मैं देखता हूँ। क्योंकि कितना भी कमज़ोर रहा होगा ना इंडिया, तो 1950 में इंडिया चाइना के इक्वल ही था, इकोनॉमी वाइज बड़ा था उनसे। और इंडियन आर्मी जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उनकी दूर दूर तक डीप इनसाइड तिब्बत उनके बेसिस थे। एक बुक आई थी कुछ दिनों पहले, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं कोशिश करूँगा इसको शेयर करूँ किसी और टाइम। उसमें सारी डिटेल बताई गई है कि कहाँ कहाँ पे इंडियन आर्मी के बेसिस थे डीप विद इन तिब्बत। और हम लोगों ने वो बेसिस खाली कर दिए और हमने चाइना को यू नो लाइक वी जस्ट लेट देम वॉक राइट इन। तो ये मुझे किसी भी और कंट्री या तिब्बत के भी मुकाबले, मुझे वो लोग तो लड़े भी जा रहे हैं, बैटल ऑफ चामडोंग फाइनली उन्होंने हार एक्सेप्ट की, लेकिन हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। ये इतनी बड़ी नकार्यता या अकर्मण्यता कह लो, जो भी कह लो यार, ये वर्ड इनफ नहीं है इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, और जो इनफ है वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता। की तरफ देखना बंद करना पड़ेगा, भविष्य की योजना बनानी होगी, संतोष छोड़ना पड़ेगा, एक एक निर्माण की असंतोषकारी ज्वाला चाहिए, एक सृजन की आग चाहिए। और वो आग तभी होती है जब हम हर कुछ के लिए राजी नहीं हो जाते, जब हम दुख को मिटाने का संकल्प करते हैं, अज्ञान को मिटाने का संकल्प करते हैं, जब हम बीमारी को तोड़ने का संकल्प करते हैं, जब हम दीनता, दरिद्रता और दासता को मिटाने की कसम खाते हैं, तब तब भविष्य निर्मित होना शुरू होता है। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात मैं पूरी करूंगा। मैंने एक मिनट, ये जो निराशावादिता थी ना हमारे लोगों में, मतलब कि सिनिसिज्म जैसे कहते हैं, जो था कि कुछ नहीं हो सकता, और जो ये सोशो कह रहे हैं कि बिल्कुल बीमार है कुछ, यू नो लाइक एक भूख नहीं है कुछ, ये सारी चीज़ें पाने की जिनके बारे में उन्होंने कहा, ये भी कहीं ना कहीं उस सोशलिज्म का ही रिपरकशन था। क्योंकि उस वक्त का भारत, जितनी भी तरीके से आप मूवीज़ के थ्रू देखते हो तो आपको ऐसा लगता था हर किसी का माइंड सेट ये था। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं छोटा था, आज से 10-12 साल पहले या आज से 15 साल पहले, और मैं उस वक्त के जो अपने बड़े लोग थे उनके उनसे सुनता था, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चाय की दुकान पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, बारबर शॉप पे, तो लोग कह रहे थे कुछ नहीं हो सकता, बीजेपी कांग्रेस सब ये एक दूसरे के भाई हैं, ये आ जाए वो आ जाए बर्बाद है, ये हमेशा ऐसे ही चलेगा, ये है वो है। आपने वो मूवी देखी हुई क्या कहते हैं, रंग दे बसंती, जो कि उसी वक्त या उससे थोड़ा और पहले आई थी जब मैं छोटा था, मीन स्कूल में रहूँगा मैं काफ़ी छोटा उस वक्त में आई थी मूवी, उसमें भी एक धड़ा यही होता है जो एक पॉलिटिशियन का बेटा होता है उसका ये कहना होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव है ना समाज के एक भाग का, जिसका कि ये कहना है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और जो माधवन का कैरेक्टर होता है वो कहता है कि नहीं हो सकता है।
तो ये जो माइंडसेट तैयार हो गया था, ये उसी टाइम के सोशलिज्म का जो है, सोशलिज्म और उसके बाद का जो हैंगओवर है, उसी दिमाग की उपज है ये, उसी अगेन अकर्मण्यता की निशानी है ये। और ये जो भूख है, ये अगर आप देखोगे तो पिछले 20 साल में, यानी कि 2000s के बाद, कहीं ना कहीं 2010 के बाद थोड़ा और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हुई है इंडिया में, कंपनीज बड़ी बड़ी ई कॉमर्स की आई हैं, और हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कू ऐप है, हम कह सकते हैं कि ट्विटर की कॉपी है, या फिर फ्लिपकार्ट है, हम कह सकते हैं अमेजोन की कॉपी है, लेकिन एटलीस्ट कॉपी तो कर रहे हैं ना। उससे पहले तो हम कॉपी भी नहीं कर पा रहे थे यार, फ्री क्या कहते हैं उसे, फ्री मार्केट में। तो वो चीज़ चेंज हो रही है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। और हम चाइनीज़ नहीं है, और हम ना ही हमारी सोसाइटी चाइनीज़ है, ना हमारा वो सिस्टम है, ना हमारा वो नेचर है ऐसी एज पीपल कि हम उनकी तरीके से स्पीड से काम करें। हमारा बहुत क्लोज नेचर है अमेरिकन के जैसा। ये बात बहुत अजीब लगेगी आज के टाइम पे सुनने में, लेकिन ये सोचो, हम 1947 में आज़ाद हुए हैं और अमेरिका एक सॉवरन कंट्री बन गया था 1779 में। हमसे तो बहुत बुरे दिन अमेरिका ने देखे हैं अपनी आज़ादी के बाद। वो उनके यहाँ लिटरल एक ट्रेडिशन है स्लेवरी का, वो जिस पे कि पूरी सोसाइटी डिपेंड करती थी, वो अबॉलिश हो गई। सोचो कितना बड़ा बवाल आ गया होगा सोसाइटी में, भूचाल आ गया होगा, और जो कि आ गया, और सिविल वॉर हो गई वहाँ पे यार, आधी कंट्री के लोग एक तरफ और आधी कंट्री के लोग। इंडिया में कभी ऐसा नहीं होता, हम बस सुनते हैं कि नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन के बीच में बहसबाजी होती है, और हमें कितना बुरा लगता है। जो लोग भी थोड़े से समझदार हैं, उनको देख के दुख या तकलीफ होती होगी, और उनके वहाँ तो लिटरली वॉर हुई है नॉर्थ और साउथ में। तो और उनको जो आज अमेरिका आप देख रहे हो, या जो आप डेवलप्ड अमेरिका देख रहे हो, जो आप यू नो लाइक डोमिनेंट अमेरिका देख रहे हो, वो कब का है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का, ठीक है? 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कितने तो यानी कि कितने साल का डोमिनेशन है उनका? 55 और 20, 75 ईयर का डोमिनेशन है आज तक का उनका टोटल। उससे पहले उन्होंने कितने साल अपने आप को बिल्ड करने में लगा दिए? 17 से पूरा पूरा 1800, 21 साल उसके पहले, और 45 ईयर उसके बाद, ठीक है? ऑलमोस्ट 166 ईयर उनको लगे उस लेवल के डोमिनेशन पे पहुंचने में। हमें तो अभी 70-75 साल हुए हैं यार आज़ाद हुए। तो हमारा सबसे क्लोज नेचर उनके जैसा है। आज से 150 साल बाद आप हम इंडिया की डेवलपमेंट भी देख लेना, अगर सब कुछ ठीक ट्रेजेक्ट्री पर चलता रहा तो, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद चलेगा। तो आई मीन, अगर हमने फ्री मार्केट इकोनॉमी अपना ली होती आज़ादी के बाद से, तो शायद यू नो लाइक हम भी जापान या साउथ कोरिया की तरह होते हैं आज के टाइम पे। साउथ कोरिया बहुत थोड़ा क्लोजर एग्जाम्पल होगा, नहीं तो एटलीस्ट चाइना की तरह तो होते ही, जो चाइना जितना डेवलप्ड तो होते ही। दिमाग में तो हार गए ना पहले। और जब सेनापति कहेगा हार निश्चित है, तो सैनिक क्या करेंगे? उनकी हार तो बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। इसे कारागृह में डाल दो, कल सुबह मैं सेनापति बनकर आपकी सेनाओं को युद्ध के मैदान पर ले जाऊंगा। राजा बहुत घबरा है, क्योंकि सेनापति योग्य था, युद्धों का अनुभवी था, वो डर गया। और फकीर, जिसे तलवार पकड़ने का भी कोई पता नहीं था, जो कभी घोड़े पर भी नहीं बैठा था, वो युद्ध के मैदान पर क्या करेगा? लेकिन कोई उपाय न था और राजा को राजी होना पड़ा। तो फकीर सेनाओं को लेकर युद्ध के मैदान पर चल पड़ा। राज्य की सीमा पर नदी को पार करने के पहले उस पार दुश्मन के पड़ाव थे। उस सेनापति ने मंदिर के निकट रुककर अपने सिपाहियों को कहा कि मैं जरा मंदिर के देवता को पूछ लूं कि हमारी हार होगी कि जीत। उन सैनिकों ने कहा, देवता कैसे बताएगा और देवता की भाषा हम कैसे समझेंगे? उस फकीर ने कहा, भाषा समझने का उपाय मेरे पास।
उसने चीते से चमकता हुआ सोने का रुपया निकाला, आकाश की तरफ फेंका और मंदिर के देवता से कहा कि अगर हमारी जीत होती हो तो सिक्का सीधा गिरे और अगर हार होती हो तो उल्टा गिरे। सोने वाला प्रेम वहां से रुक गई, जीवन मरण का सवाल था। रुपया नीचे गिरा, वो सीधा गिरा। उस फकीर ने कहा तुम फिक्र छोड़ दो, हार का अब कोई उपाय नहीं, हम हारना भी चाहे तो अब हार नहीं सकते, परमात्मा साथ है। सिक्के को खींचे में रखते हुए युद्ध में कूद पड़े। 8 दिन बाद अपने से बहुत बड़ी फौजों को जीत कर वे वापिस लौटे। उस मंदिर के पास से गुजरते थे तो सैनिकों ने फकीर को याद दिलाई कि परमात्मा को कम से कम धन्यवाद तो दे दे, जिस परमात्मा ने हमें जिताया। उस फकीर ने कहा परमात्मा का इससे कोई भी संबंध नहीं है, आगे बढ़ो। उन सैनिकों ने कहा आप भूल गए मालूम होता है, युद्ध की विजय के नशे में मालूम होता है धन्यवाद का भी ख्याल नहीं। तो उस फकीर ने कहा तुम पूछते ही हो तो मैं तुम्हें राज बता देता हूँ। उसने रुपया निकाल कर दे दिया, वो सिक्का दोनों तरफ सीधा था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा नहीं। शोले शोले वाला सीन। सैनिक जीते क्योंकि जीत का ख्याल निश्चित हो गए। अंततः वस्तुएं बन जाते हैं, विचार अंततः घटनाएं बन जाती है। एडिंगटन का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, थिंग्स आर थॉट्स एंड थॉट्स आर थिंग्स। मैं यही बोलने वाला था, जैसे जिन्होंने बोला ना कि जिस एडिंगटन का नाम इन्होंने लिया उससे पहले, मुझे नहीं पता वो बंदा कहाँ से है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमेरिकन, लेस स्पेसिफिकली वेस्टर्न बट मोर स्पेसिफिकली अमेरिकन सोच है कि थॉट्स आपकी जो है वो चीज़ें बन जाती हैं। वहाँ का जो आपको पूरा का पूरा इनोवेशन का जो माइंडसेट मिलेगा ना, वो सारा बेस्ड इस चीज़ पे है कि आपने एक, हम सारे एज ए ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, ह्यूमन रियलिटी की एग्जिस्टेंस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम चुनो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो मेंटली विचार के तौर पे, और उसको फिर फिजिकलाइज कर दो उस सॉल्यूशन को। फॉर एग्जांपल ट्रैवल करना मुश्किल है, कैसे ट्रैवल किया जा सके, ओ तांगा था पहले तो, है ना। कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कि किसी भी जानवर या घोड़े की ज़रूरत ना हो और जो तेज जाए, तो गाड़ी सोचा ही होगा ना किसी ने पहले कि ओ एक ऐसी चीज़ हो जो इससे चले, इस ये इंजन है ये घूमता है, तो यानी कि इसको पावर भी दे सकता है। उस वाले इंजन की ऑफकोर्स को स्टीम इंजन की खोज हुई थी सबसे पहले, तो स्टीम इंजन के बाद ही फिर गाड़ी का जो पूरा का पूरा एक मोटर कार का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टीम इंजन के ऊपर ही बेस हुआ था। तो उन्होंने ये भी तो सोचा होगा ना कि क्या कि क्यों ना इस छोटे, इसका एक मिनिएचर वर्जन बनाया जाए स्टीम इंजन का, और इससे एक छोटी चीज़, छोटी वैगन को पावर किया जाए। शुरुआती गाड़ी तो वही थी ना, और उनको उन्होंने फिजिकल रूप दिया, पहले विचार आया उसको उन्होंने फिजिकलाइज किया। तो ये बहुत ही एक स्पेसिफिकली अमेरिकन थॉट प्रोसेस है या फिर वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है। जिसे हम वस्तु कहते हैं वो भी विचार, और जिसे हम विचार कहते हैं वो भी कल वस्तु बन सकता है। जिसे हम जिंदगी कहते हैं वो कल किए गए विचारों का परिणाम, जिसे हम आज कहते हैं वो कल के विचारों का निष्कर्ष, और कल जो होगा वो आज के विचारों का परिणाम होगा। मैं भारत को जवान देखना चाहता हूँ, लेकिन भारत के मन को बदलना पड़ेगा तो ही भारत जवान हो सकता है। मैं भारत को बूढ़ा नहीं देखना चाहता हूँ, हम बहुत दिन बूढ़े रह चुके, हम बूढ़े हैं हजारों साल। ये भारत का बुढ़ापा तोड़ना पड़ेगा, इस भारत के बुढ़ापे को मिटाना पड़ेगा। इस भारत के बुढ़ापे को अगर हम नहीं मिटा पाए तो अब तक हमने जो गुलामियां देखी थी वो बहुत छोटी थी। ना तो मुसलमान इतनी बड़ी गुलामी ला सकते, ना अंग्रेज इतनी बड़ी गुलामी ला सकते, जितनी बड़ी गुलामी कम्युनिज्म हिंदुस्तान में ला सकता है। और कम्युनिज्म की गुलामी और भी खतरनाक इसलिए कि अब तक जो भी गुलामियां वे गुलामियां वैज्ञानिक नहीं। कम्युनिज्म पहली दफा टेक्नोलॉजिकली वैज्ञानिक ढंग से आदमी को गुलाम बनाने में समर्थ। जिस किसी ने भी जॉर्ज ऑरवेल की 1984 पढ़ी है, दिस इज कमिंग। मैं नहीं कह रहा कि ओशो ने बुक पढ़ी और बुक की वजह से वो कह रहे हैं, जो कि हो भी सकता है, देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी।
लेकिन दिस इज स्ट्रेट आउट ऑफ 1984, अगर आपने 1984 पढ़ी है जॉर्ज ऑरवेल की, जो कि उन्होंने बाय द वे 1948 में लिखी थी। आदमियों का माइंडवॉश किया जा रहा है, आदमी को मारने की जरूरत भी नहीं, उसके दिमाग को पूरा धोकर साफ किया जा सकता है, जैसे स्लेट पट्टी को धोकर साफ किया जा सकता है। ये गुरुद्वारे, ये मंदिर, ये मस्जिद ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। अगर हिंदुस्तान पर कम्युनिज्म आता है तो हमारे दिमाग ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे, जो थे वो पोच डाले जाएंगे। आज रूस में कहां है गुरुद्वारा, कहां है मस्जिद, कहां है मंदिर, आज चीन में कहां है, वो सब विदा हो गए। मनुष्य के धर्म पर सबसे बड़ा खतरा कम्युनिज्म। अभी मैं आ रहा था तो आपके प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आप धर्म के खत्म हो गया था, बट सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, जिन लोगों को नहीं पता है, रूस का मेजॉरिटी रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, लेकिन क्रिश्चियनिटी का एक्सेक्ट है जिसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, वो वहाँ का मेजॉरिटी रिलीजन है। उसका बहुत तगड़ा कमबैक हुआ है जब से सोवियत यूनियन टूटा है। लोगों का जो रिलीजन की तरफ ओरिएंटेशन था, उसमें बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक आया है। और जो सेंट्रल एशियन कंट्री थी, जो प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम है, उनमें भी रिलीजियस आस्पेक्ट यू नो लाइक स्टिल अलाइव है, मतलब वहाँ। और जो सबसे ज़्यादा रिलीजियस पार्ट है रूस का, वो है जो रूस का नॉर्थ कॉकेसस का एरिया, जिसको दागिस्तान, चेचेनिया, ये वाला एरिया कहते हैं। चेचेनिया में तो क्या रिलीजियस बेसिस पे बहुत तगड़े वाला सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही है, आपने सुना होगा 1993 में मॉस्को थिएटर में अटैक हो गया था। ये सब उन्हीं लोगों का किया था रहा है। एक बहुत बड़ी आतंकवादी एजेंसी, अब तो खैर पुतिन ने उसको बहुत ज़बरदस्त क्रश कर दिया है, और पुतिन का एक डायरेक्ट एड है जो आज के टाइम पे उनका चेचेनिया का जो रिपब्लिक है उसका जो लीडर है, पता नहीं क्या, कादिरोव शायद, समथिंग कादिरोव नाम है उस बंदे का, पहलवान लगता है देखने से। उस बंदे ने पूरा मतलब यू नो लाइक क्रश डाउन कर दिया पूरी उसको, और चेचेनिया को अंडर दी आई मीन विद अ लॉट ऑफ ऑटोनमी जो कि रिपब्लिक्स को दी हुई है रशिया ने अपने अंदर। रशिया के अंदर बहुत सारे रिपब्लिक्स हैं जो मेन रशिया की लैंड है उसके अलावा, जो कि सारे रशिया के अंदर ही काउंट होते हैं बेसिकली, बट उनको रिपब्लिक्स कहा जाता है, जैसे ऑटोनोमस रीजन उस तरीके से। तो काफ़ी ज़्यादा उनको ऑटोनमी दी हुई है, बट है अंडर रशिया के बैनर में ही। और वो कादिरोव जो बंदा, उसने सारा मतलब सॉल्यूशन कर दिया था। खबीब नर्मागोमेडोव, जिसने भी नाम सुना हुआ है, यूएफसी चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर को हराया था जिसने, वो एक दूसरा रिपब्लिक है चेचनिया के साथ में ही, जो कैस्पियन सी के साथ लगता है नीचे, अजरबैजान के साथ, क्या नाम है, दागिस्तान, वो दागिस्तान का है खबीब नर्मागोमेडोव। तो जो वो एरिया है, जो उसको नॉर्थ कॉकेसस कहते हैं बेसिकली, वो एरिए के जो लोग हैं वो प्रेडोमिनेंटली सुन्नी मुसलमान हैं, और वो एरिया बहुत ज़्यादा रिलीजियस है इनफैक्ट रशिया में। तो जस्ट फॉर इन्फो, खिलाफ कुछ मत बोल देना, मैं बहुत हैरान हुआ कि अगर एक धार्मिक व्यक्ति धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा तो फिर धर्म के पक्ष में कौन बोलेगा। पर उनके भय से मुझे लगा कि धर्म कहीं इतना कमजोर हो गया है कि अपने खिलाफ बोली गई बातों का जवाब देने में भी ताकतवर नहीं मालूम पड़ता है, इसलिए इतना डर है भीतर। लेकिन इतना डर के धर्म बचेगा नहीं, डरा हुआ धर्म कैसे बचेगा, डरा हुआ धर्म नहीं बच सकता। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको चीनी शास्त्रों के खिलाफ कुछ मत बोल देना, जिसके खिलाफ बोला जा सकता है वो शास्त्र ही नहीं है, जिसके खिलाफ नहीं बोला। आज के टाइम पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा आयरोनिक हो गई है कि डरा हुआ धर्म नहीं बचा सकता। आज के टाइम में स्पेशली इंडिया में यार, कि मतलब बहुत ज़्यादा यू नो लाइक लोग टच ही हो गए हैं धर्म के सब्जेक्ट के बारे में बोलने में, और हर धर्म के, मैं किसी स्पेसिफिक धर्म को नहीं बोल रहा, सारे ही धर्मों के लोग बहुत ज़्यादा यू नो लाइक काइंड ऑफ इनसिक्योर है। तो ये बहुत आयरोनिक सिचुएशन है। और जिसके खिलाफ बोले जाने में डर मालूम पड़ता है वो कमजोर है, वो सत्य नहीं हो सकता। जिसके खिलाफ सारी दुनिया बोलती हो तो भी जिसका रत्ती भर ना टूटता हो वही सत्य है।
उतना ही बच जाए तो काफी है, बाकी कचरे को बचाने की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन हम भयभीत, हम बहुत डरे हुए, और इतने डरे हुए लोग धर्म को और शास्त्र को बचा सकेंगे ये मुझे संभव नहीं दिखाई पड़ता। भारत का बूढ़ा मन धर्म की पूजा कर सकता है, धर्म को बचा नहीं सकता। भारत को जवान चित्त पैदा करना पड़ेगा, वही धर्म को बचा सकेगा। एक और अंतिम बात आपसे कह दूं, अगर हमने सिख धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा, अगर हमने हिंदू धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा, अगर हमने जैन धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा, अगर हमने मुसलमान धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा, अगर हमने धर्म को बचाना चाहा तो धर्म बच सकता है। असल में जब हम धर्मों को 50 हिस्सों में तोड़ देते हैं तो अधर्म से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। अधर्म से लड़ेगा कौन? धर्म आपस में लड़ते हैं, मंदिर मस्जिद लड़ते हैं। कम्युनिज्म से कौन लड़ेगा? हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, हिंदू सिख लड़ते हैं, हिंदू जैन लड़ते हैं। आज भी चीन में बौद्धों का मठ गिराया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिद गिराई जा रही है, ईसाइयों का चर्च तोड़ा जा रहा है, फिर भी बौद्ध ईसाई के खिलाफ बोले चले जाते हैं, ईसाई मुसलमान के खिलाफ बोले चले जाते हैं, मुसलमान बौद्धों के खिलाफ बोला चला जाता है। ये धार्मिक आदमी है या पागल हो गए लोग? अगर धर्म को दुनिया में बचाना है Again, तो धर्म को बचाने की तैयारी करनी पड़ेगी, छोटे छोटे मोह छोड़ने पड़ेंगे। मेरा धर्म नहीं बचेगा, अब धर्म बच सकता है, और धर्म तभी बच सकता है जब धर्म आपस में लड़ने का पागलपन बंद कर दे। अन्यथा धर्म आपस में लड़ते हैं और अधर्म की तो कोई लड़ाई अधर्म से नहीं होती। ये कितने मजे की बात कि दुनिया में धर्म 350 और अधर्म 1, अधर्म का कोई विभाजन नहीं है और धर्म के इतने विभाजन। विभाजित धर्म बच नहीं सकेगा, अविभाजित धर्म बच सकता है। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख, चाहे मुसलमान, चाहे जैन, अगर हम धर्म को बचाना चाहते हो तो कम्युनिज्म से टक्कर ली जा सकती, और अगर हमने अपने छोटे छोटे धर्मों को बचाने की कोशिश की तो ये सब डूब जाएंगे और अधर्म जीतेगा। अगर हम सत्य को बचाना चाहते हो तो हमें मेरे का आग्रह छोड़ देना चाहिए। अगर हम सत्य को बचाना चाहते हो तो हमें छोटी छोटी दीवार। यहाँ पे जो ओशो बात कर रहे हैं ना कि हमें धर्म को बचाना चाहिए और कैसे बचाया जा सकता है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि कम्युनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में उनको लग रहा है कि कम्युनिज्म से ज़्यादा बेटर चीज़ ये है, जो कि है भी। आप लोगों ने इसमें से जिसने भी दोस्तोयेवस्की को पढ़ा है और उसके थ्रू नीचे को भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, पढ़ना तो खैर नीचे को पढ़ना थोड़ा हाई लेवल की रीडिंग है, मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोग शायद इंडिया में पढ़ते होंगे उसको, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो नीचे का डेथ ऑफ गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना ज़्यादा नेगेटिव यू नो लाइक प्रूव हुआ है सोसाइटी के लिए। रिलीजन की सारी बुराइयों के साथ साथ उसकी कुछ चीज़ें जो सोसाइटी को स्ट्रक्चर देती हैं, बेस देती हैं, उनकी ज़रूरत है सोसाइटी को, चाहे कोई इस बात को कितना भी डिनाई करने की कोशिश करे। तो वैसे ओशो बहुत ज़्यादा धर्म के विद्रोह में भी निकल जाते थे, धर्म की कुछ चीज़ों के विद्रोह में या विरोध में, लेकिन यहाँ ये एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से, एक बहुत ही स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के अंदर धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं। बालों का मोह छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो मोह हमारा नहीं छूटता, बूढ़े मन के मोह बड़ी मुश्किल से छूटते। इसलिए मैंने ये थोड़ी सी बातें कही, भारत का चित्त यदि जवान हो सके तो भारत के लिए एक स्वर्णमय भविष्य पैदा किया जा सकता है। अगर भारत का चित्त बूढ़ा रहा तो भविष्य एक मरघट होगा, एक कब्रिस्तान होगा, भविष्य एक जीवित जीवन नहीं हो सकता है। मैंने ये थोड़ी सी बातें कही, मेरी बातों को मान लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल वे ही लोग अपनी बातों को मानने पर जोर देते हैं जिनकी बातें कमजोर होती हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरी बातों को सोचना, अगर उनमें कोई सच्चाई होगी तो सच्चाई आपको मनवा लेगी, और अगर वे असत्य होंगी तो अपने आप गिर जाएंगी। मेरी बातों को मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी बातों को सोच लेना काफी है। अगर आप सोचेंगे, विचारेंगे तो
आपको जो सत्य होगा वो आपको दिखाई पड़ सकता है, और सत्य दिखाई पड़े तो जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है और युवा चित्र का जन्म प्रारंभ हो जाता है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में मेरी भी बातों को देने में आपने ताकतवर नहीं मालूम पड़ता। मेरी भी बातों को आप सुनते हो उसके लिए मैं भी बहुत अनुग्रहित हूँ, और मेरी बातों को भी मान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको सोच लेना भर ही बहुत है। आई डोंट नो, जैसा मैंने सोचा था एग्जैक्टली वो नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ मज़ा आया, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स को यू नो लाइक खोलने का मौका मिला, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने का मौका मिला। और इस तरह की डिस्कशंस में यही होता है कि एक बात से 10 बातें निकलती हैं, उन 10 से और पर्टिकुलर और फर्दर 100, और उन 100 से 10,000। तो यही बात है, इसका मज़ा भी है और इसकी मुश्किल भी है अपनी खुद की। बट एनीवेज, आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।